इंडिया साउथ अफ्रीका के तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की दूसरी पारी में जब ऋषभ पंत 99 रन पर खेल रहे थे तो उस दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। भारतीय पारी के 65वें ओवर में ऋषभ पंत को शतक के लिए एक रन की जरूरत थी, लेकिन इसी बीच मार्को जेनसन की गेंद पर ऋषभ पंत शॉट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल उनके शरीर पर लगती है, जिसके बाद मार्को जेनसन अपील करते हैं। इसी बीच स्टेडियम से ऐसा रिएक्शन देखने को मिला जैसा लगा कि वाकई में ऋषभ पंत आउट हो गए। हालांकि अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया, जिसके बाद लोगों को तसल्ली हुई और उसके बाद ऋषभ पंत ने कुछ ही देर बाद अपना एक रन बनाकर अपना टेस्ट क्रिकेट में चौथा शतक पूरा किया।